नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभा, बिहार में सिवान जिले से। मेरे चैनल में आप सभी के स्वागत। मेरे चैनल का नाम है शोभा की रसोई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। आज मैं क्या बनाने वाली हूं तो आप सभी को दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों आज मैं बनाऊंगी दाल सागा। दाल सागा बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए है आधे केजी लिए है बथुआ। तो बथुआ हमने बहुत बढ़िया बथुआ लिया है, इसको धो करके अच्छे से साफ कर लिए है। हमने मार्केट से मंगाए हैं, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे हमने लिए है एक केजी दाल लिए है, अरहर लिए है और मसूर का दाल लिए, दोनों का दाल लिए है। यहाँ पे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर को ले लिए है। तो इन सभी चीजों को हमने यहाँ पे कुकर रख दिए है। कुकर में हमारा पानी गर्म हो गया है तो इसमें हम दाल को डाल देते हैं और बथुए को डाल करके ढक्कन लगा देते हैं। दो सीटी आने पर इसको हम बंद कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम दाल को डाल देते हैं और इसमें बथुए को डाल देते हैं। देखिए कुकर में दाल और बथुए डाल दिए हैं और इसमें जो हमने मसाले को निकाल कर रखे हैं इसको भी डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक लिए हैं। तो हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा। हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसको अभी सीटी लगा लेते हैं। तो सीटी आने पर इसको बंद कर देंगे, उसके बाद इसको तड़के लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दाल सागा में तड़के लगाने के लिए यहाँ पे हमने सभी चीजों को प्लेट में रख लिए इकट्ठा करके। तो यहाँ पे हमने लिए हरी मिर्च को बारीक बारीक तोड़ लिए है, लाल मिर्च लिए दो से तीन, सूखा मिर्च लिए है, अदरक लहसुन के कूट लिए है हमने दरदारा, दालचीनी लिए दो से तीन, यहाँ पे सूखा खड़ा जीरा लिए है, यहाँ पे दो हमने तेज पत्ता लिए है मैंने, प्याज को बारीक बारीक काट लिए, एक कलछी हमने लिए है सरसों तेल, सरसों तेल से बहुत टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ाई लिए है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है तो हमने तेल को इसमें डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया तो इसमें हम डाल देते हैं खड़ा जीरा, खड़ा जीरा डालते हैं, हरी मिर्च को डाल देते हैं, दालचीनी डाल देते हैं और तेज पत्ता लिए हैं दो, इसको भी डाल देते हैं और फोरन को चटकने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लीज अपने घर पर एक बार जरूर से जरूर दाल सागा बनाइए और खाइए। बहुत टेस्टी हमने दाल सागा बना रहे हैं बच्चे का, तो आप लोग एक बार जरूर से बनाइए और खाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब आप बना रहे हैं, कब खा रहे हैं। बहुत टेस्टी हमने बना रहे हैं, तो अपने खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, घर आए तो मेहमानों को खिलाइए, अगर कोई अपने कभी कुछ करने नहीं। बहुत टेस्टी हम नहीं बनाते हैं, तो जो भी बनाते हैं टेस्टी तो बहुत आसान तरीके से बनाते हैं, बहुत कम सामान बनाते हैं, कम सामान से बनाते हैं। तो देखिए हमारा ये फोरन जल रहा है दोस्तों, ये हमारा फोरन जल गया है तो मुझे बहुत सुंदर खुशबू आ रहा है। इसमें हम डाल देते हैं बारी बारी कटा हुआ प्याज को, प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन को जो हमने कूट कर रखे हैं, इसको भी हमने भून लेते हैं। इसके बाद इसको भून करके हम दाल को इसमें डालेंगे, तब तक दाल को हम चेक कर लेते हैं। तो बहुत टेस्टी बनाया, दाल सारा बनकर तैयार होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा दाल कितना सुंदर बथुए और दाल गल गया है, बहुत सुंदर गल गया है। तो इसे हम तड़के लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम दाल को डाल करके तड़के लगा लेते हैं। देखिए हमारा दाल बनकर रेडी हो गया, बहुत सुंदर हमने बनाया दाल सागा।
कीजिए। तो प्लीज प्लीज अपने घर पर एक बार जरूर से जरूर बनाइएगा। बहुत आसान तरीका से हमने बनाए हैं दाल सगा ये बकरी का, तो अपने घर पर बना करके अपने खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। बहुत टेस्टी है, देखिए कितना सुंदर पास से दिखा रहे हूँ। तो 2 मिनट और इसे पका करके हम इसे उतार लेंगे दाल को। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दाल साग बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर, बहुत हमने खुशबू इसमें से आ रहा है, तो बहुत सुंदर हमने बनाए हैं दाल सागा। तो अपने घर पर एक बार जो भी ट्राई कीजिए, बहुत आसान तरीका है ये साग दाल सागा बनाने के लिए। तो इसे हम अब निकाल लेते हैं थाली में। तो देखिए दोस्तों, हमने दाल सागे को एक हमने बॉल लिए हैं, तो इसमें हम निकाल लिए हैं बड़ा साइज का। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये दाल सागा देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है। तो हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें हमारे वीडियो को। देखिए दोस्तों, आप लोगों को रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टिंग हमने दाल सगा बनाया चावल के साथ, बहुत टेस्टिंग लगेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने घर पर एक बार जरूर से जरूर बनाइए, खाइए, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये दाल सगा। आपको बना रहे हैं, कब खा रहे हैं तो बताइएगा। और हमारे वीडियो को आप लोग को पूरे एंड तक देखने के लिए हम दिल से आप लोग को धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।